हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर 2018 के काफी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हमारे रहेंगे। और ये करंट अफेयर जो है डिफेंस के एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप सीडीएस का, एफकेट का या फिर आप सीएपीएफ वगैरह का एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर मुझे संदीप कुमार नाम से फॉलो कर लें, क्योंकि यहां पर मैंने डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज बना दिए हैं और बहुत ही जल्दी और भी नए नए कोर्सेज यहां पे आने वाले हैं। तो फिलहाल जो है हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 7 दिसंबर 2018 के। तो सबसे पहली हमारे पास न्यूज है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मिडल ईस्ट कंट्री हैज साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑफ आर एस 3500 करोड़ विद इंडिया इन दिसंबर 2018। तो देखिए, ये यूएई जो है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इन्होंने इंडिया के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है इनका हो चुका है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है ये 3500 करोड़ रुपए का यहाँ पे हुआ है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है कि करेंसी को एक्सचेंज कर लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली एक्चुअली अगर मान लीजिए ये लेकर चले हमने मान लीजिए कहीं से कोई लोन लेना है, तो लोन में क्या होगा कि हम वहां से पैसे लेंगे और डायरेक्ट ले आएंगे। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें अगर मान लीजिए कि मैंने वो 5 साल के लिए लोन लिया है, तो 5 साल बाद अगर जो एक्चुअल में जो करेंसी है, जिस करेंसी का हमने लोन लिया है, मान लीजिए हम डॉलर में कहीं से यूके से हमने मान लीजिए क्या किया, हमने पाउंड में जो है वो लोन ले लिया। अब हुआ क्या कि 5 साल का लोन था, 5 साल बाद जब वो लौटाना था उस टाइम तक जो रुपी है हमारा, इंडियन रुपीज है, इसका जो रेट है वो काफी गिर जाता है। यानी कि इस टाइम मान लीजिए अभी अगर हम कंपेयर करते हैं उससे 10 रुपए ज्यादा गिर जाता है, तो उसका इफेक्ट जो है इतनी बड़ी रकम के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो करेंसी स्वैप में क्या होता है कि वहीं पर किसी के साथ स्वैप कर लेंगे करेंसी का, और फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट ही एक्सचेंज होगा किसी और पर्सन के साथ, ताकि बाद में जब 5 साल के बाद जो है जो जो वैल्यू जो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, उसका इफेक्ट ना पड़े। तो इस चीज के लिए करेंसी स्वैप किया जाता है। तो इंडिया ने किसके साथ किया है, यूएई के साथ किया है, ठीक है। तो इंडिया और यूएई की गवर्नमेंट ने ये साइन जो है वो कर दिया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का, जो 6 दिसंबर को हुआ, ठीक है। और इसमें बूस्ट किया जाएगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज के बीच में। और ये जो साइन हुआ ये हुआ अबू धाबी में, जो मिनिस्ट्रल मीटिंग चल रही थी, 12th सेशन ऑफ यूएई इंडिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग, जेसीएम, ठीक है, ज्वाइंट कमीशन मीटिंग, किसके बीच में, यूएई एंड इंडिया के बीच में 12th सेशन था इसका, ये जो इस बार अबू धाबी में हुई। सेकेंड हमारे पास न्यूज है आज की, Who among the following former opener of Indian cricket team has announced retirement from all formats of cricket in December 2018? तो ये आपको पता ही होगा बिकॉज आजकल ये चला हुआ है न्यूज जो है। तो अभी जो है किस क्रिकेटर ने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है, तो गौतम गंभीर जी जो है, गौतम गंभीर जी ने यहाँ पे फिलहाल अनाउंसमेंट कर दी है कि वो रिटायर हो रहे हैं ऑल फॉर्मेट से। और वो अपना जो लास्ट मैच है ये कहां पर खेलेंगे, ये आंध्र प्रदेश के अंगेस्ट खेलेंगे रणजी ट्रॉफी में, जो 6 दिसंबर को हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो फिलहाल ये हो चुका है 6 दिसंबर को, कल ये मैच था। और नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड न्यूज, हु हैज रिटन द बुक ऑन इंडियन नेवी क्रॉनिकल्स टाइटल ब्लू वाटर अहोय, ठीक है, अहोय भी बोल सकते हैं, ब्लू वाटर अहोय जो है ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है अनूप सिंह जी ने। अनूप सिंह आपको पता ही होगा कि ये हमारे फॉर्मर वाइस हमारे एडमायरर रह चुके हैं ये, तो ये भी आपने याद रखना है। अब ये जो बुक है ये लॉन्च किसने की, तो ये बुक लॉन्च तो नहीं बोल सकते, रिलीज बोल सकते हैं, तो रिलीज किसने की है, एडमायरल सुनील लांबा, जो इस टाइम हमारे एडमायरल हैं इंडियन नेवी में, इन्होंने ये रिलीज की, ठीक है। नाम है बुक का ब्लू वाटर अहोय, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है बिकॉज डिफेंस से रिलेटेड बन जाता है, डिफेंस से रिलेटेड ही बुक है। और इसमें है क्या, इसमें एक्चुअल में क्रॉनिकल है इंडियन नेवी के, ठीक है, इंडियन नेवी की हिस्ट्री है 2001 से लेकर 2010 तक, ठीक है। और बाकी जो है ये, सॉरी, एडमायरल नहीं है अनूप सिंह, वाइस एडमायरल हैं, ठीक है, अनूप सिंह जो है वाइस एडमायरल, इन्होंने ये लिखी है बुक। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ न्यूज आज की, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2018 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी।
तो इंडिया इम्पैक्ट समिट 2018 जो है ये दिल्ली में इस बार हुआ, और ये जो है ये यूनियन मिनिस्टर एंड फॉर वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन जो है इसमें जो मिनिस्टर हैं ये तीनों ही डिपार्टमेंट, आपको पता है कि तीनों ही जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, रिवर डेवलपमेंट है एंड गंगा रिजुवेनेशन जो है ये किसके पास है, श्री नितिन गडकरी जी के पास है। और इन्होंने ही ये हेल्ड की जो मीटिंग थी, कौन सी मीटिंग थी, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2018, तो इन्होंने ये इनॉग्रेट की थी। एंड ये किसके द्वारा की गई, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और किसके बीच में, सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिक मैनेजमेंट एंड स्टडीज, तो इनके बीच में ये हुई फ्रॉम 5 to 7 दिसंबर 2018, 5 से 7 दिसंबर 2018 तक। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है, द फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रैंक 67 कंट्रीज ऑन फूड सिस्टम सस्टेनेबिलिटी, दिस इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो देखिए फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है ये जो यहाँ पे फाइनल जो है हो चुका है, और इसमें 67 कंट्रीज को रैंक किया गया, जिसमें जो है फूड सिस्टम सस्टेनेबिलिटी जो है ये देखी गई। अब ये डेवलप किसने की, ये की बैरिला सेंटर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन फाउंडेशन, तो बैरिला सेंटर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन फाउंडेशन जो है इन्होंने डेवलप किया फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट कौन आया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फर्स्ट इसमें रहा फ्रांस, ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा जो है सस्टेनेबल जो है वो फ्रांस है। इंडिया कितने नंबर पर रहा, इंडिया जो है 33rd नंबर पे, 67 में से 33वें नंबर पर इंडिया रहा, और लास्ट में कौन रहा, लास्ट में UAE रहा, ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और अगर बात की जाए फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की FSI की, तो ये डेवलप किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने, जो यूनिट है पूरी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, और किसके साथ मिलकर किया, बैरिला सेंटर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, इन्होंने मिलकर किया ये। एंड इट इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग मॉडल दैट मेजर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिस्टम अक्रॉस 3 कैटेगरीज, फूड लॉस, वेस्ट, ठीक है, सस्टेनेबल एंड नेचुरल चैलेंज, सॉरी न्यूट्रिशनल चैलेंजेस जो हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें फूड लॉस हो गया एंड वेस्ट हो गया, कि कितना फूड लॉस होता है, वेस्ट होता है, कितना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, एंड न्यूट्रिशनल चैलेंजेस किस तरह के हैं, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है, वर्ल्ड सॉयल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो सॉयल डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 5 दिसंबर को हर साल, और वर्ल्ड सॉयल डे जो है वो सेलिब्रेट एनुअली होता है, हर साल होता है 5 दिसंबर को, किसके द्वारा, कहां पर होता है, होता तो सभी के द्वारा, लेकिन कहां पर होता है, एट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, रोम में है, ठीक है, और ये जो रोम का जो रीजनल ऑफिस है, और जो कुछ नेशनल एंड लोकल इवेंट जो है वो किए जाते हैं इस डे को ऑब्जर्व करने के लिए, सॉयल डे को ऑब्जर्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आज की न्यूज है, पेरेन कोहिमा वोखा, ठीक है, पेरेन कोहिमा वोखा प्रोजेक्ट, फर्स्ट इवर स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट डेवलप्ड इन विच स्टेट, तो देखिए स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट जो है ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च कर रखा है, ठीक है, मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट है ये, इसके अंदर और प्रोजेक्ट छोटे छोटे आने हैं, तो इसमें जो है पेरेन कोहिमा वोखा जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो ये किस स्टेट में हुआ है, तो ये नागालैंड में हुआ है, ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आता है स्वदेश दर्शन स्कीम, जिन्होंने इसको लॉन्च किया। एंड इसमें क्या किया जाएगा, इसमें प्रमोट किया जाएगा नागालैंड के टूरिस्ट को, नागालैंड को एज अ टूरिस्ट स्टेट, और इसमें जो है सेक्शन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नवंबर 2015 में, जिसमें 97.36 करोड़ जो है वो इसकी लागत थी, जो ये वाला हमारा प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था। एंड इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है नागालैंड में क्या किया जाएगा, नागालैंड में ट्राइबल टूरिस्ट जो विलेज जो है वो इंक्रीज किए जाएंगे, ओपन एयर थिएटर बनाए जाएंगे, कैफेटेरिया बनाए जाएंगे, हेलीपैड बनाए जाएंगे, इस तरह से जो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो टूरिज्म है उसको इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हु विल इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, बोगीबील ब्रिज,
तो बोगीबील ब्रिज जो है इसको इनोग्रेट कौन करेगा? पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और बोगीबील ब्रिज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये फिलहाल इंडिया का लार्जेस्ट होगा और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट होगा, ठीक है। और ये बन कहां पे रहा है? ये बन रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जो डिब्रूगढ़ आसाम में है, और इसकी लेंथ रहेगी 4.94 किलोमीटर। तो 4.94 किलोमीटर की इसकी लेंथ रहेगी बोगीबील ब्रिज, तो याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एमर्ज एज द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री एट 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड इन न्यू दिल्ली। तो 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड जब हुआ न्यू दिल्ली में, तो उसमें क्या है, उसमें गुजरात को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया, और ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को इस तरह का अवार्ड मिला है, ठीक है। इससे पहले ऐसे अवार्ड नहीं दिए जाते थे, तो फर्स्ट टाइम ही इस तरह का अवार्ड जो है किसी स्टेट को दिया गया है। और ये जो है ये इसलिए दिया गया बिकॉज गुजरात जो है वो काफी प्रमोट करता है फिल्म टूरिज्म को, यानी कि फिल्म मेकिंग को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है गुजरात। एंड हमारी आज की लास्ट न्यूज है, हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज वॉन पेरिस मास्टर्स मैन सिंगल टाइटल 2018। तो कैरेन कोचनोव जो है, कैरेन कोचनोव, इन्होंने जीता पेरिस मास्टर्स मैन सिंगल टाइटल 2018, ठीक है। और ये कैरेन कोचनोव जो है ये हैं ये टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको? नोवाक जोकोविक को। जो नोवाक जोकोविक हैं ये इस टाइम वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे हैं, तो इनको इन्होंने हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। तो ये कुछ एक करंट अफेयर थे हमारे आज के, जो आपको होप्सो के अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छे लगे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और कुछ एक मुझे मैसेज आते रहते हैं कि हमें वीडियोस नहीं मिलती हैं कि कहां पर कब वीडियो अपलोड हो रही है, तो आपने नोटिफिकेशन बेल हिट नहीं किया होगा, तो आप नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। एंड अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें। यहां पर मेरा एफकैट 1 2019 के लिए भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप एफकैट 1 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस कोर्स को आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे कि टाइमिंग्स क्या है, किस तरह की आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।